अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी लॉग। ये थोड़ी देर पहले जो मैं खरामा रवां दवां था, ये सारी तलाश हो रही थी जापान एम्बेसी की। यार मेरी जापान एम्बेसी में 11:30 पे अपॉइंटमेंट है। डॉक्यूमेंट्स आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहे होंगे, मैं डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दूँ फिर आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ये देखिए, ये जापान एम्बेसी है, ये जो सारी बिल्डिंग है ना, ये जो कवर्ड है, ये सारी जापान एम्बेसी है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के अंदर, एग्जैक्टली 10 मिनट के अंदर भैया जी एम्बेसी से बाहर है, डॉक्यूमेंट्स जमा हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। यार जापान का जो है, सबसे पहले एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है 2 पेजेस का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपने एम्प्लॉयर से, जहाँ आप काम कर रहे हैं उनसे, एक लेटर लेना होता है, जो ये लिखा होगा उस लेटर के ऊपर कि ये जी, जिसका मेरा नाम वकार अजीम है, कि वकार अजीम हमारा एम्प्लॉई है, हमारे पास काम कर रहा है, ये जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, लिहाजा इस पर दस्तखत शफकत फरमा दीजिए, ठीक है। ये लेटर जापान एम्बेसी के नाम पे होगा। उसके बाद आपने जो है एक ट्रैवल अटर्नी बनानी होती है, जिसमें आपने लेट से, जैसे कि मैंने बताया कि जी मैं 5 दिन के लिए जाना चाह रहा हूँ, आपने 5 दिन का पूरा शेड्यूल देना होता है कि आप जो है 5 दिन में जब आप लैंड करेंगे, उसके बाद उस दिन आपने क्या करना है, उससे अगले दिन क्या देखना है, उससे अगले दिन क्या देखना है, 5 दिन का पूरा शेड्यूल इन्हें बना के देना है आपने, ठीक है। उसके बाद आज जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यार इनका, वो है बैंक स्टेटमेंट। दूसरी एम्बेसीज को मैंने देखा है कि वो जो है बैंक स्टेटमेंट आपको कह देते हैं कि ठीक है जी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट हमें PDF में भी दे दो, कोई मसला नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भी चलेगी। लेकिन नहीं सर, जापान है, पूरी दुनिया से अलग गया, तो इनकी हरकतें फिर जो है वो नखरे भी सबसे अलग हैं। आपने जो है जापान एम्बेसी को 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट हार्ड कॉपी में देनी है, यानी कि मैंने जो प्रिंट निकलवाया ना, मेरे 100 के करीब पेजेस से, और ये खाली हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, आपने वो हार्ड कॉपी का एक एक पेज अपने बैंक से टेस्ट करवाना है। एक एक पेज पे बैंक की स्टैंप होनी चाहिए, और बैंक का जो बंदा टेस्ट कर रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। मैं अपने बैंक गया हूँ, वहाँ जाके मैंने टेस्ट करवाया और वहाँ से फिर सिग्नेचर करवाया एक एक पेज के ऊपर। तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, अपने एम्प्लॉयर का, आपके एम्प्लॉयर का लेटर हो गया, और आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, और इसके अलावा जो है आपकी अटर्नी होगी कि आपने कहाँ कहाँ पे जाना है, अटर्नी जो भी वर्ड आया, ठीक है। उसके बाद कवर लेटर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लिख दिया मस्के मारने के लिए, जी आपका कंट्री बड़ा अच्छा है, जी मैं बड़ा इंस्पायर हूँ उससे, थैंक्स टू चैट जीपीटी से मैंने लिखवाया था। अच्छा, आप इन सारी चीज़ों का जो जो रिक्वायर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और सबसे अहम बात है कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। जापान एम्बेसी की कोई वॉक इन अपॉइंटमेंट नहीं होती, ये नहीं है कि पान सुबह उठे थे, मुंह धोए थे, ब्रश किए थे, जापान एम्बेसी की पान वीज़ा लेना, नहीं। इनकी एक ईमेल एड्रेस है, आपने उस ईमेल के ऊपर इन्हें ईमेल करनी है और इन्हें बताना है कि जी मुझे आपका वीज़ा चाहिए। वो आपसे एक ही चीज़ मांगेंगे, आपका मलेशिया के अंदर जो वीज़ा है उसकी हमें सॉफ्ट कॉपी ईमेल कीजिए। वो आपके वीज़ा टाइप को देखेंगे, अगर तो आपका लेबर वीज़ा है फिर आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी, वीज़ा तो दूर की बात है। जैसे कि मेरा वीज़ा टाइप है EP, एम्प्लॉयमेंट पास, तो वो आपके वीज़ा टाइप देख के आपको अपॉइंटमेंट दे देते होते हैं। आपको अपॉइंटमेंट के लिए 3 अपनी प्रेफरेंस बतानी होती हैं, और अपॉइंटमेंट हमेशा जो है 11:30 से पहले पहले मिलती है, लास्ट अपॉइंटमेंट 11:30 की होती है। 3 प्रेफरेंस आपने बताई, उसमें से वो आपको बता देंगे कि ये अवेलेबल है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने तैयार किए हैं वो लेके पहुंच जाना है, जैसे मैं पहुंचा हूं, या मैं बता रहा हूँ 10 से 15 मिनट मुझे मैक्सिमम लगे, 11:30 मैं अंदर गया हूँ, ये 12:45 हो रही है और मैं बाहर हूँ इस टाइम। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा कर लिए हैं, और उसके बाद जो है अब बता रहे हैं कि वेट करें, 5 बिजनेस डेज के अंदर आपको ईमेल के ऊपर रिजल्ट बता दिया जाएगा। आपने खुशी से आगे पासपोर्ट रिसीव करना है या रोते बसोते मुँह के साथ आना है, दोनों सूरतों का जो रिजल्ट है आपको ईमेल पर बता दिया जाएगा, फिर आके रिसीव कर लीजिएगा। चलें 5 दिन बाद इंशाल्लाह आज पासपोर्ट रिसीव करने आऊँगा, उस वक्त आपको दिखाते हैं कि क्या बना मेरे इतने जो है वो हार्ड वर्क के बाद, इन्होंने मुझे वीज़ा दिया है कि नहीं दिया। सी यू आफ्टर 5 डेज इंशाल्लाह। यार 8 नवंबर को मैंने पासपोर्ट जमा करवाया था, और 15 नवंबर को मुझे ईमेल आ गई थी कि आके अपना पासपोर्ट ले जाओ, वीज़ा आपका अप्रूव हो गया है। लगाए इन्होंने 5 बिजनेस डेज ही हैं, बीच में 3 दिवाली की छुट्टियाँ आ गई थी, तो उन्होंने कहा जी जल्दी जल्दी पहुंचो, पहले ही फुर्सत, 15 को ईमेल आई, कहते 16 को पहुंच जाओ, तुम्हारा इतना कीमती पासपोर्ट है, हमसे हिफाजत नहीं हो पा रही इसकी, हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलसल नहीं लेना चाहते। तो मेरे हाथ में है वो चीज़ जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के पास नहीं होती, रसीद। सबसे मजे की बात यह है कि 0 वीज़ा फीस है, कोई वीज़ा फीस नहीं है,
मलेशिया से जापान का वीज़ा जीरो वीज़ा फीस के साथ है। यार मुझे जैपनीज वाइब्स अभी से आना शुरू होगी, मैं तो इस व्लॉग के बैकग्राउंड में भी जैपनीज म्यूजिक लगाऊंगा। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कीमती असासा, माई रियल एसेट इज इन माई हैंड। आप 3 महीने का ट्रैवल टाइम है, 15 फेब तक मैं किसी वक्त भी ट्रैवल कर सकता हूँ। जब एक दफ़ा मैं जापान में एंटर हो गया तो मैं सिर्फ 15 दिन रह सकता हूँ, मेरे पास 15 दिन का वीज़ा होगा। और इसके अलावा जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके जितने भी कीमती लिंक हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक विकी लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़े घाटे में है, क्योंकि अगले महीने जापान के शॉर्ट्स एंड व्लॉग्स आने वाले हैं। और ये जापान इंशाल्लाह आखिरी स्टॉप नहीं है, उसके बाद हम अपने फर फैलाते जाएंगे और हम उड़ते जाएंगे इंशाल्लाह। बाय बाय।